हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में शिवाजी चाइल्डहुड लेसन सीखा था, जिसमें शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में बताया था, तो अभी हम नेक्स्ट लेसन सीखने वाले फिफ्थ नंबर का लेसन है शिवाजी एजुकेशन, जिसमें शिवाजी महाराज का एजुकेशन कैसे हुआ था ये हम सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। शिवाजी एजुकेशन। शिवाजी राजे हिमसेल्फ वॉज स्कॉलर ऑफ संस्कृत इन द बैंगलोर कोर्ट। ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। देखो, शिवाजी राजे जो थे वो खुद संस्कृत में स्कॉलर थे, संस्कृत में वो माहिर थे, होशियार थे, विद्वान थे, और सेम उसी और उनको मतलब एजुकेशन की वो रिस्पेक्ट करते थे। तो इसीलिए बैंगलोर कोर्ट में उनके जो राज्यसभा थी वहाँ पर वो आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को, जो वेरियस लैंग्वेजेस के स्कॉलर्स है, विद्वान हैं, पंडित हैं, उनको संरक्षण देते थे। पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण। तो उनके अंडर ये संरक्षण मतलब इन आर्टिस्ट को और स्कॉलर्स जो थे उनको यहाँ पर संरक्षण मिलता था। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। शिवाजी के लिए उन्होंने इंटेलिजेंट टीचर्स अपॉइंट किए थे। शिवाजी एजुकेशन बिगेन व्हेन ही बिकेम 7 ईयर्स ओल्ड। शिवाजी का एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ? जब वो 7 ईयर्स ओल्ड हो गए थे तब। सुन, शिवाजी बिकेम स्किल इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तभी शिवाजी जो थे 7 साल के जब थे तब वो रीडिंग और राइटिंग अच्छे से कर लेते थे, वो माहिर बन गए थे। ही बिगेन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भागवत ऑन हिज ओन। वो खुद से स्टोरीज पढ़ते थे, जो रामायण, महाभारत और भागवत जैसी बुक्स हैं उनमें से वो स्टोरीज खुद पढ़ लेते थे। टू टीच हिम वेलफेयर शिवाजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। अभी शिवाजी को वॉरफेयर मतलब युद्ध कला सिखानी है, तो इसीलिए शाहजी राजे ने इन्होंने उनके लिए टीचर्स अपॉइंट किए। दे बिगेन टू टीच शिवाजी टू राइड हॉर्स, टू रिसल, टू यूज स्वॉर्ड्स एंड दानपट्टा। और उन्होंने शिवाजी को क्या क्या सिखाया? घुड़सवारी करना, रिसल मतलब कुश्ती लड़ना, यूज स्वॉर्ड्स एंड दानपट्टा, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार और दानपट्टा यूज करना उनको सिखाया। दस एट द एज ऑफ 12 शिवाजी बिकेम अक्वाइंटेड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स। और 12 साल के होते ही शिवाजी महाराज कैसे बन गए थे? होशियार, बहुत माहिर हो गए थे वो। और ये जो डिफरेंट ब्रांचेस थे लर्निंग के, आर्ट्स के, इनसे वो परिचित हो गए थे, उनको ये आने लग गए थे। परिचित होना मतलब एक्वाइंटेंस मतलब परिचित होना। सुन, आदिल शाह सेंट शाहजी राजे ऑन एन एक्सपीडिशन टू कॉन्क्वायर द स्टेट्स ऑफ द नायकास लोकल शिप्स इन कर्नाटक। और तभी आदिल शाह ने शाहजी राजे को एक्सपीडिशन मतलब अभियान, मुहिम, एक मुहिम पर भेजने की सोची। कौन सी मुहिम थी वो? कॉन्क्वायर द स्टेट ऑफ नायकास लोकल शिप इन कर्नाटक। कर्नाटक में नायकास का जो स्टेट है, राज्य है, उस पर जीतने के लिए ये मुहिम शाहजी राजे को दी थी आदिल शाह ने। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन शाहजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। एक्सपेडिशन जाने से पहले, मुहिम पर जाने से पहले शाहजी राजे ने क्या किया? शाहजी राजे ने शिवाजी और जीजाबाई को पुणे भेज दिया। With them he sent elephants, horses and an infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals and renowned teachers.
और जब वो पूना जा रहे थे तब उनके शिवाजी महाराज और जीजाबाई जब पूना जा रहे थे तब उनके साथ उन्होंने कुछ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मीन्स क्या, जो सेना पैदल चलती है, नीचे चलती, कुछ आपने देखा होगा मूवी में वगैरह, तो कुछ सेना घोड़े पर बैठी रहती चलती है, कुछ पैदल चलते हैं, तो इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलने वाली सेना होती है उसे कहते हैं इन्फेंट्री। और ट्रेजरी, ट्रेजरी मीन्स खजाना, फ्लैग, अपना जो फ्लैग है, पताका है, ध्वज है, वो एज ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर, और कुछ ट्रस्टेड मिनिस्टर उनके साथ भेज दिए थे। क्यों भेजे थे? ताकि वो वहाँ पर शिवाजी महाराज, वहाँ पर जो जहांगीर है, पूना उनकी जहांगीर है, तो वहाँ पर वो कुछ अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, इसलिए उनको उनके साथ भेज दिया था। रेजुवेनेशन ऑफ पुणे, अभी पूना जो है वो छोड़ गए थे क्योंकि और वहाँ पर निजामशाही चल रही थी, तो वो पूना से कर्नाटक गए थे, अभी सॉरी कर्नाटक नहीं, बैंगलोर गए थे। तो जो पूना है उसका जीर्णोद्धार करना है अभी कैसे, देखो, जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। अभी जीजाबाई और शिवाजी पुणे आ गए रिटर्न। शिवाजी रिमेंबर ही चाइल्डहुड डेज विच ही स्पेंट ऑन शिवनेरी। जैसे हम लोग भी कहीं अगर जाते हैं, हमारे जहाँ पर चाइल्डहुड हमने स्पेंड किया होता है वहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें वहाँ की यादें याद आने लगती हैं, तो उसी तरह शिवाजी को भी अपने चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन याद आने लगे जब वो शिवनेरी पहुंच गए। तो ही कुड सी द लॉफ्टी पीक्स ऑफ सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। वो फिर से जो सह्याद्री की ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, बुलंद चट्टाने हैं, वो देख सकते थे, और उसी वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच ए बिग सिटी। उस टाइम पर पुणे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी सिटी नहीं थी। इट वॉज टोटली डिवेस्टेटेड बाय शाहजी राजेस एनिमी। और वो टोटली डिवेस्टेटेड मतलब तहस नहस करना, बर्बाद कर देना। तो जो शाहजी राजेस के एनिमीज थे उन्होंने उस पुणे सिटी को टोटली डिवेस्टेड कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था। प्रॉपर्टीज वेयर डैमेज, और वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो भी टोटली उन्होंने डैमेज कर दी थी, ख़राब कर दी थी। हाउसेस वेयर डिमोलिश, और वहाँ के जो घर थे वो भी उन्होंने बर्बाद कर दिए थे। टेम्पल्स हैड कोलैप्स, वहाँ के मंदिर गिर गए थे। द फ्राइडन पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस, और जो डरे हुए लोग थे वो विलेज छोड़ के चले गए थे, गाँव छोड़ के चले गए थे। फील्ड्स हैड बिकम बैरन, वहाँ की जो खेती थी वो पूरी बैरन मतलब बंजर बन गई थी। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, और वहाँ पर बहुत घना जंगल बन गया था। वॉल्स रोम इन द कंट्री साइड, और वहाँ पर जो भेड़िया थी वो कंट्री साइड राज्य में घूम रहे थे। पुणे दस वॉज टोटली इन शैम्बल्स एंड रुइंस, और इसी वजह से पुणे क्या था वो टोटली कैसा दिख रहा था, वो थी शैम्बल मतलब खंडहर, और रुइन मतलब टूटा फूटा ऐसा दिख रहा था। पूरा उन्होंने बहुत ही बर्बाद कर दिया था पुणे सिटी को। वेन द पीपल लिविंग अराउंड केम टू नो दैट जीजाबाई हैज़ रिटर्न टू पुणे विद शिवाजी, दे टुक हार्ट। तो जो लोग वहाँ पर सराउंडिंग में जो लोग रह रहे थे उनको पता चला कि जीजाबाई और शिवाजी पुणे रहने के लिए आ रहे हैं, तो उनका मतलब दे टुक हार्ट मतलब उनकी जो जान है वो रिलैक्स फील करने लगी कि हाँ भाई अभी कोई तो है जो हमें देखेगा, हमारा संरक्षण करेगा। तो जीजाबाई कॉल ऑल देम एंड रीअश्योर देम दैट दे वुल बी सेफ इन पुणे। और जीजाबाई ने उन सभी लोगों को बुलाया और उनको रीअश्योर मतलब उनको भरोसा दिलाया कि अभी आप लोग सेफ है पुणे में, आप सभी लोग कैसे सेफ है। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, और फिर वहाँ पर लोग आने लगे और पुणे में रहने लगे।
कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स, और उनके जो लैंड्स है, उनकी जो खेती है वो कल्टिवेट करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपनी खेती स्टार्ट कर दी थी। जीजाबाई हैड डिलैपिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर्ड। जीजाबाई ने जो गिरे हुए मंदिर थे, डिलैपिडेटेड मतलब जीर्ण हुए पुराने जो मंदिर थे वो रिपेयर किए। इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। टेम्पल्स में वर्शिप मतलब पूजा स्टार्ट हो गई थी मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम वहाँ पर पूजा शुरू हो गई। द टाउन वॉज अगेन थ्रॉबिंग विद पीपल और दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। और इस तरह वहाँ पर पुणे जो है वो फिर से लोगों से धड़कने लगा, वहाँ पर जान आ गई थी पुणे में। और इस तरह वो जो पुराना टूटा फूटा डिमोलिश हुआ हुआ पुणे जो है वो इस तरह ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव। व्हेन जीजाबाई एंड शिवाजी वेयर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक आफ्टर द पुणे जहांगीर। जब जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में रह रहे थे तब यहाँ पर ये जो पुणे जहांगीर है वो दादाजी कोंडदेव संभालते थे, वो देखते थे वहाँ पर। ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंढाणा अल्सो, और वो कोंढाणा किले के सूबेदार भी थे। ही वॉज वेरी फेथफुल, और वो कैसे है वफादार थे अपने राजा से, अपने जो शाहजी राजे थे उनसे वो बहुत ही वफादार थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट एफिशियंट एंड हॉनेस्ट इन हिज वर्क, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कुशल थे और हॉनेस्ट भी थे अपने काम के लिए, वो पूरे मन से वहाँ पर काम करते थे। ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन, वो बहुत ही शिस्तप्रिय आदमी थे। ही सर्व विथ डिवोशन, और वहाँ पर वो अपने पूरे भक्तिभाव से मन लगा के लगन से वहाँ पर सेवा करते थे। एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बिल्ड इन पुणे बाय ऑर्डर्स ऑफ शाहजी राजे, और शाहजी राजे के ऑर्डर से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाड़ा या फिर जिसे हम रेसिडेंस कहते हैं वो बांधा गया था। और इट बिकेम टू बी नोन एज अ लाल महल, और उसे हम लोग क्या कहते हैं लाल महल। टू एनकरेज द पीजेंट्स टू टिल देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशन इन द लैंड टैक्स फॉर अ फ्यू ईयर्स। पीजेंट मीन्स किसान फार्मर, तो ये जो पीजेंट्स है उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपना जो लैंड है वहाँ पर खेती करने के लिए दादाजी क्या करते थे उन्हें कंसेशन देते थे, और जो टैक्स वगैरह रहता है लैंड का टैक्स उससे वो छूट देते थे कुछ सालों के लिए, उससे वो जो पीजेंस थे किसान थे उनको धारस मिलता था कि हाँ हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ही ऑफर प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वॉल्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड एंड हैरेस द पीजेंस, और उन्होंने जो वॉल्स को भेड़ियों को जो मारेगा उनके लिए प्राइजेस भी ऑफर की थी। जो भेड़िया कंट्री साइड में मतलब अंदर राज्य में आकर या फिर खेती में आकर पिजन्स को परेशान करते थे उनको मारने के लिए दादाजी ने कुछ प्राइजेस भी ऑफर की थी। मेनी वॉल्स वेयर किल्ड, और इस तरह बहुत सारे भेड़िया को मारा गया था। ही रेस पिजन पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स वो रोम द कंट्री साइड, और साथ ही साथ जो थीव्स रहते चोर तो उनको रोकने के लिए उनसे अपनी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ बचाने के लिए उन्होंने कुछ पिजन पेट्रोल्स मतलब जो पिजन रहते किसान उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने पहरेदारी के लिए उन्हें पहरेदार बनाया था ताकि वो लोग अपनी जो भी लाइफ है या फिर मतलब उनके साथी जो है एरिया के लोग और प्रॉपर्टी उसे ये गैंग जो है थीव्स की चोरों की जो गैंग है उनसे बचाने के लिए उन्होंने पिजन पेट्रोल्स भी बनाए थे। ही फिक्स लैंड रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की जैसी क्वालिटी है
उसी हिसाब से उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स किया था. ही डज मेड द पीपल हैप्पी, और उन्होंने इसी तरह वहाँ की जो पीपल है उनको खुश रखा था. इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड रेवेन्यू कलेक्शन द वर्क डन बाय दादाजी कोंडदेव एंड द शाह निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पोर्टेंट. इस तरह वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का रिफॉर्म रेवेन्यू कलेक्शन जो था इसके लिए जो काम कर रहे थे दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है. निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर क्यों? क्योंकि वो जो पुणे सिटी है वो निज़ाम शाही में आती थी. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसमें मैंने डिटेल में सिखाया आपको. लास्ट लेसन में आपने सीखा है कि किस तरह जो शाहजी राजे की जो जहागीर थी वो किस तरह निज़ाम शाही में आई और उसके वजीर उस निज़ाम शाह ने मलिक अंबर ये वजीर को वहाँ पर अपॉइंट किया था. नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी एजुकेशन. अभी शिवाजी का एजुकेशन स्टार्ट होता है. व्हेन शिवाजी रिटर्न टू पुणे हिज एजुकेशन कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई. अभी शाहजी राजे तो गए कर्नाटक में, वहाँ पर उनको एक मुहिम लड़वानी थी, वो अपने एक्सपेडिशन पर गए थे, तो जो कुछ भी था वो अभी जीजाबाई को ही देखना था. व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलोर जीजाबाई एंड शिवाजी वेयर अकम्पनीड बाय एमिनेंट टीचर सेंट बाय शाहजी राजे. दे टॉट हिम मेनी साइंसेस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस. तो इस तरह जीजाबाई के सुपरविजन में शिवाजी का एजुकेशन स्टार्ट हो गया था. और वहाँ पर जो टीचर्स प्रख्यात या फिर प्रसिद्ध जो टीचर्स थे वो शिवाजी महाराज के लिए अपॉइंट किए थे शाहजी राजे ने, वो उनको सिखा रहे थे. बहुत सारे विज्ञान की बातें उनको बता रहे थे और जो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस है वो भी उन्हें सिखाया गया था. शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉर टैक्टिक्स फोर्ट आर्किटेक्चर सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. तो इस तरह शिवाजी ने बहुत सारा नॉलेज उन्होंने acquired किया था. कौन कौन सा? तो किस तरह हमें administration करना चाहिए, किस तरह हमें राज्य चलाना चाहिए, war tactics कुछ हमें चाली चलनी पड़ती है, युद्ध कला सीखनी जरूरी होती है वो उन्होंने सीखा. fort architecture fort कैसे बांधे जाते हैं ये उन्होंने सीखा है. साथ ही साथ हॉर्सेस और एलिफेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये भी उनको सिखाया गया था. और वेज ऑफ इस्केपिंग फ्रॉम डिफिकल्ट एनिमी टेरिटरीज और दुश्मनों की राज्य से कैसे छूटा जाए. इस्केप होना मतलब छूटना, सॉरी. तो वहाँ से कैसे अपनी छुटका की जाए ये भी तरीके उनको सिखाए गए थे और बहुत कुछ उनको सिखाया गया. शिवाजीज़ प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज जीजाबाई वेरी मच. और जो शिवाजी का प्रोग्रेस था जिस तरह वो सीख रहे थे वो देखकर जीजाबाई बहुत ही खुश हो गए थे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी. अभी जो वीर माता जीजाबाई है उन्होंने शिवाजी को क्या सिखाया. जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमन. वो एक सामान्य स्त्री नहीं थी. शी वॉज अ डॉटर ऑफ माइटी सरदार लखुजीराव जाधव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वैलियंट शाहजी राजे. वो एक सामान्य स्त्री नहीं थी. कौन थी वो? तो शूरवीर पराक्रमी सरदार लखुजीराव जाधव इनकी बेटी थी और साथ ही साथ ब्रेव एंड वैलियंट शाहजी राजे इनकी वाइफ थी. शी हैड inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy. तो इस तरह उन्होंने उनको जो नॉलेज है पॉलिटिक्स का, वेयरफेयर का, युद्ध का, ये उनको अपने बचपन से ही उनको विरासत में मिला था. In her words, witness the confluence of the martial tradition of the famous houses of Jadhav and Bhosle. वो विटनेस है
मतलब साक्षीदार है वो किस बात की, तो जो दो घराने हैं मार्शल ट्रेडिशंस के, जो घराने हैं फेमस हाउसेस हैं, मार्शल ट्रेडिशन मतलब क्या कि जो जंगी परंपरा है, मतलब जहाँ मार्शल मतलब जो सामरिक है या फिर हम जिसे कहते हैं जिनको युद्ध करना प्रिय हो, ऐसा जिनको किसी मतलब अपनी आज़ादी प्रिय है, ऐसे जो ट्रेडिशन से परंपरा जो है ऐसे कॉन्फ्लुएंस मतलब मिलाप होना, ऐसी दो फैमिली का जहाँ पर मिलाप हुआ था, ऐसी ये जो मिलाप जिन्होंने देखा उसकी विटनेस वीर माता जीजाबाई है। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। वो कैसे है, फ्रीडम लविंग पर्सन है, और जो वीर माता जीजाबाई है उनको किसी की गुलामी पसंद नहीं थी, वो फ्रीडम मतलब आज़ादी, उनको आज़ादी बहुत ही प्रिय थी, और वो बहुत ही गौरवशाली अभिमानी व्यक्ति थे। शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस दैट हाउ एवर मच मराठा सरदार डिस्प्ले वेलर इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ द सुल्तान्स। और उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, कुछ बीटर एक्सपीरियंस भी थे उनके, कि जैसे मराठा सरदार अपने जो वेलर है पराक्रम है वो डिस्प्ले करते हैं दिखाते हैं, मगर जो सुल्तान के कोर्ट्स होते हैं राज्यसभा होती है वहाँ पर उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उनको उनकी सराहना वहाँ पर नहीं की जाती है। शी हैड वैलेंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह, क्योंकि उन्होंने देखा है वो उस शॉक से गुजरे हैं कि उनके पिता का किस तरह मर्डर किया गया था खुली राज्यसभा में सभी लोगों के सामने, निज़ाम शाह को किसी ने भड़काया था, और उसकी बात सुनकर किसी ने भड़काने पर ये बात सुनने पर जीजा माता के फादर का मर्डर किया गया था। तो ये जो बात थी वो उनको बहुत ही शॉक लग मतलब ये बात सुनकर बहुत ही शॉक लगा था उनको, ऑब्वियसली किसी को भी शॉक लगेगा ऐसी बात सुनकर, तो उनको ये ऐसे बिटर एक्सपीरियंस भी उनको मिले थे। She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the service of others। और उन्होंने मन में बिठा ली थी ये बात कि उनका जो बेटा है शिवाजी वो कभी किसी की सर्विस नहीं करेगा, मतलब दूसरे के गुलामी नहीं करेगा वो। He would establish the rule of his own people, स्वराज। वो खुद अपने रूल्स अपने लोगों का अपने खुद रूल बनाएगा, जिसका नाम उन्होंने रखा था स्वराज, वो स्वराज स्थापित करेगा, ऐसा उनका सपना था। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विथ डैट आइडियल। और इस तरह यही सोच से उन्होंने शिवाजी को बड़ा किया। द पीपल लिविंग इन मवाल रीजन वेयर कॉल्ड मावलाज, दे वेयर लॉयल हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड, नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस बट दे वेयर हैरेस बाय द सुल्तान्स रूल। अभी जो लोग मवाल रीजन में रहते थे उनको मावलाज कहा जाता है, वो कैसे थे, लॉयल थे, हार्ड वर्किंग थे, किक फुटेड थे, मतलब बहुत ही हार्ड वर्कर थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस, और कोई उनको पार नहीं कर सकता, उनका जो इतना साहस था उनमें कुट-कुट के साहस भरा हुआ था उसका, जो कोई उनको पार नहीं कर सकता था, कोई उनको हरा नहीं सकता, ऐसे वो लोग थे। बट दे वेयर हैरेस बाय सुल्तान्स रूल, मगर वो लोग सुल्तान के रूल से परेशान हो गए थे, हैरेस हो गए थे। द आर्मीज ऑफ सुल्तान्स यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस फोर्सिंग द पीपल टू अबैंडन देयर प्लेसेस। जो सुल्तान के आर्मीज थे सेना थी वो उनको लूट लेती थी, उनके गांव को लूट लेती थी, और लोगों को वो फोर्स करते थे कि ये जो प्लेस है वो आप लोग छोड़ दो, अबैंडन मतलब छोड़ देना, तो ये प्लेस छोड़ दो, ऐसे वो उनको परेशान करते थे। नोबडी केयर फॉर देम, किसी को उनकी केयर नहीं थी। शिवाजी यर्न टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर एंड मिजरेबल पीपल। और शिवाजी को ये मतलब बहुत ही उदास होते थे ये सब देखकर,
ये किस तरह उनको लूटते हैं, किस तरह उनको परेशान करते हैं। ये गरीब जनता जो थी उनको देखकर शिवाजी उदास होते थे। ऑन रिटर्निंग होम शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर। जब वो घर पर आए ये सारी बातें देखकर, तब उन्होंने अपनी माता से ही बात की। जीजाबाई वुड से, शिवबा, श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसलेज। राम किल्ड रावण एंड मेड हिम पीपल हिज पीपल हैप्पी। द एंसेस्टर ऑफ द जाधव्स इज श्री कृष्ण। ही किल्ड कंस एंड ब्राउट रिलीफ टू हिज पीपल। यू आर द डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री राम एंड श्री कृष्ण। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विकेड एंड मेक योर सब्जेक्ट्स हैप्पी। तो इस तरह जीजाबाई ने कहा कि शिवबा, आपको पता है, मतलब कि जो रामचंद्र है वो भोसले फैमिली के एंसेस्टर है, पूर्वज है, और उन्होंने रावण को मारा था और वहाँ की जो जनता है, पीपल है, उनको हैप्पी किया था। और जाधव के एंसेस्टर पूर्वज श्री कृष्ण है जिन्होंने कंस को मारा था और जो लोग थे वहाँ पर उनको रिलीफ दिलाया था, उनको सुख दिया था। यू आर डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री राम एंड श्री कृष्ण। और आप डिसेंडेंट मतलब वंशज, आप वंशज हो किसके, श्री राम और श्री कृष्ण के। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विकेड एंड मेक योर सब्जेक्ट्स हैप्पी। आप भी ऐसे शैतान लोगों को मार सकते हो और अपनी जो जनता है उनको हैप्पी कर सकते हो। दीज वर्ड्स ऑफ जीजाबाई वेयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यंग शिवाजी। जीजाबाई के ये जो वर्ड्स थे वो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए थे शिवाजी के लिए। ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डीड्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास्ट लाइक राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन। तो ये जो हीरोज थे, राम हुए, कृष्ण हैं, भीम, अर्जुन, इनकी स्टोरीज जीजा माता उनको बताते थे। तो इनके जो ब्रेव डीड्स थे, शूरवीर पराक्रम जो थे, ये शिवाजी रिमेंबर करते थे, याद करते थे। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेदर एज स्लीप और वेक। वो सोते जागते उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। ही फेल दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डीड एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द विकेड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट्स। और वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे और वो सोचते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह इनजस्टिस के अगेंस्ट मतलब अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द विकेड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट्स। और उन्हीं की तरह मैं भी जो शैतानी लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय करूँगा और अपनी जो जनता है उनका हैप्पीनेस, उनको सुखी करूँगा। ही थॉट दैट ही शुड बिकम कॉरेजियस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरोज ऑफ ओल्ड। और वो सोचते थे कि मैं भी ऐसा ही कॉरेजियस, धाड़सी बनूँगा और उनकी तरह ब्रेव बनूँगा। न्यू टॉपिक है हमारा द न्यू रिजिम ऑफ शिवाजी। अभी शिवाजी का एक नया शासन, नई व्यवस्था स्थापित होने वाली थी, वो हम सीखने वाले हैं। इन पुणे जहांगीर द न्यू रिजिम ऑफ शिवाजी बिगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। पुणे जहांगीर में ही उन्होंने अपनी शिवाजी की जो शासन थी, व्यवस्था, वो वहाँ पर जीजा माता के गाइडेंस में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड अ प्रिपरेशन फॉर दिस। और शाहजी राजे इन्होंने ऑलरेडी ये जो प्रबंध था इसका पूरा प्रिपरेशन करके रखा था। व्हेन शाहजी राजे सेंट शिवाजी फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे, ही सेंट सम वेरी पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस पीपल विथ हिम। जब शिवाजी बेंगलोर से पुणे आ रहे थे तब शाहजी राजे ने उनके साथ कुछ पावरफुल और प्रेस्टिजियस लोगों को उनके साथ भेजा था। देवेर साम्राज्य नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मनकोजी दहातोंडे सरनोबत,
रघुनाथ बल्लाल सबनीस सोनोपंत डाबीर, ये कुछ नाम है जो पावरफुल थे, प्रेस्टिजियस थे, मतलब बहुत ही पावरफुल, मतलब तो पता है आपको, मतलब ये जिनको कोई हरा नहीं सकता था, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित लोग थे। कौन कौन से? सम्राट नीलकंठ पेशवे, बालक कृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मनकोजी धातोंडे चंद्रभट, रघुनाथ बल्लाल साबनीस, सोनोपंत डाबीर। दीज वेयर ऑल एबल मैन फिट टू एडमिनिस्टर एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये जो लोग थे ये बहुत ही हुशार लोग थे, एबल मैन थे, जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किंगडम राज्य का एडमिनिस्टर कर सकेंगे, ऐसे लोग थे। शाहजी राजे हैड स्पेशली डेप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प शिवाजी गवर्न ही जहांगीर इफिशियंटली। शाहजी राजे ने खास इन्हीं लोगों को भेजा था ताकि शिवाजी अच्छे से अपनी जो जहांगीर है वहाँ पर अच्छे से गवर्न कर सके, अपनी जो शासन है वो अच्छे से चला सके, इसलिए शाहजी राजे ने वो लोगों उन लोगों को ही सिलेक्ट किया था। विद देयर हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्टर हिज जहांगीर टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवियंसेस। तो इस तरह इनके उनकी मदद लेकर शिवाजी ने अपना एडमिनिस्टर अपना जो शासन था वो स्टार्ट किया था, और जो लोगों की शिकायतें थी, ग्रीवेंस मतलब शिकायतें, तो वो दूर करने का उन्होंने ट्राई किया। दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रयत वेयर पनिश। जो लोगों को रयत मतलब रयत जनता, तो इनके ऊपर जो अन्याय करते थे उनको दंड मिलता था, इन्फ्लिक्टेड मतलब दंड, तो उनको पनिश किया जाता था। इन अ वे शाहजी राजेस जहांगीर वॉज अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह शाहजी राजे की जो जहांगीर थी पुणे, वो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब प्रोसेस में थी। द मावलाज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज, इट वॉज एज इट वे द डाउन ऑफ स्वराज। और इस तरह मावलाज को अपना जो फ्यूचर था उसकी एक झलक दिखी थी जिसका नाम था स्वराज। तो इस तरह शाहजी राजे की जो जहांगीर थी वो टोटली ट्रांसफ़र होने वाली थी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिवाजी मैरिज। इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। उस दिनों में लोग बहुत ही जल्दी कम उम्र में ही शादी कर देते थे। सो जीजा माता सेड वी शुड नाउ गेट शिवबा मैरिड, अभी हमें शिवबा की शादी करनी चाहिए। देन अ सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन। और इस तरह वहाँ पर शिवबा के लिए सूट होगी ऐसी एक ब्राइड का सर्च करना स्टार्ट हो गया था। सून शी फाउंड अ गर्ल द गर्ल शी वॉन्टेड, और उनको जैसी चाहिए थी वैसी एक गर्ल मिल गई थी। हर नेम वॉज सईबाई, क्या नाम था शिवाजी वाइफ का? सईबाई। सईबाई केम फ्रॉम निम्बाकर फैमिली ऑफ फल्टन। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट स्प्लेंडर। और इस तरह जो सईबाई थे वो निम्बाकर फैमिली जो कि पल्टन की है उनसे बिलोंग करती थी, और इस तरह उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये लेसन? बहुत ही अच्छा हो और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।